हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने मुस्लिम लॉ के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु कैन अपॉइंट मुतवल्ली, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मुतवल्ली, रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, यानी कि मुतवल्ली की नियुक्ति कौन कर सकता है और मुतवल्ली की क्या शक्तियाँ होती है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं और मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव कौन कर सकता है। दोस्तों, ये वक्फ इन मुस्लिम लॉ का पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, वक्फ इन मुस्लिम लॉ की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन सब के कंप्लीट नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको वो नोट्स पढ़ने हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को इजीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने वक्फ की डेफिनेशन, वक्फ के एसेंशियल एलिमेंट्स, मान्य वक्फ के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ वैलिड वक्फ, वक्फ के प्रकार, रिवोकेशन ऑफ वक्फ, मुतवल्ली कौन होता है, किसे मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है, अवयस्क की मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति, इन सब चीजों के बारे में अब तक की वीडियोज में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मुतवल्ली की नियुक्ति कौन कर सकता है, यानी कि हु कैन अपॉइंट मुतवल्ली। दोस्तों, सामान्य नियम यह है कि वक्फ का जो संस्थापक होता है वो वक्फ का निर्माण करते समय स्वयं मुतवल्ली की नियुक्ति करता है, किंतु यदि बिना मुतवल्ली की नियुक्ति के वक्फ किया जाए तो इमाम मोहम्मद के अनुसार ऐसा वक्फ अमान्य यानी इनवैलिड होता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे अबू यूसुफ है उनके अनुसार ऐसा वक्फ वैलिड होता है जिसमें बिना मुतवल्ली की नियुक्ति के अगर वक्फ का निर्माण कर दिया जाता है तो ऐसा वक्फ अबू यूसुफ के अनुसार वैलिड होता है, लेकिन इमाम मोहम्मद के अनुसार ऐसा वक्फ इनवैलिड होता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे भारत में अबू यूसुफ का मत मान्य है और संस्थापक ही क्या हो जाता है, मुतवल्ली हो जाता है। मतलब कि अगर संस्थापक ने वक्फ का निर्माण करते समय मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की है तो उस कंडीशन में जो संस्थापक है वही वक्फ का प्रथम मुतवल्ली हो सकता है। वक्फकर्ता को मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार के संबंध में नियम बनाने व उत्तराधिकारियों को मनोनीत करने की शक्ति होती है, यानी कि जो वक्फकर्ता है वो मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार के संबंध में रूल्स वगैरह बना सकता है और सक्सेसर को नॉमिनेट भी कर सकता है। ये सब शक्तियाँ जो है वो वक्फकर्ता के अंदर निहित होती है। दोस्तों, अगर वक्फकर्ता है तो उस कंडीशन में वक्फकर्ता स्वयं ही मुतवल्ली की नियुक्ति करेगा, लेकिन अगर वक्फकर्ता नहीं है, संस्थापक मर चुका है, तो उस कंडीशन में मुतवल्ली की नियुक्ति उसके उत्तराधिकारी करते हैं, उसके सक्सेसर्स करते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो उस कंडीशन में मुतवल्ली की नियुक्ति का जो भार आता है वो न्यायालय के ऊपर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, न्यायालय को मुतवल्ली की नियुक्ति करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि न्यायालय को यथासंभव संस्थापक के निर्देशों का पालन करना चाहिए और न्यायालय का मुख्य कर्तव्य यह होता है कि न्यायालय को उन व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके लिए वक्फ किया गया है, जिनके लाभ के लिए वक्फ किया गया है। और न्यायालय को एकदम अनजान व्यक्ति के मुकाबले संस्थापक के जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि इन दोनों बातों को न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मुतवल्ली की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, यानी कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मुतवल्ली। दोस्तों, मुतवल्ली ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो शर्तों के अंतर्गत वक्फ संपत्ति की रक्षा करने एवं वक्फ के प्रशासन के लिए युक्तियुक्त हो, यानी कि मुतवल्ली ऐसे सभी कार्यों को कर सकता है जो कि वक्फ के शर्तों के अधीन हो और वक्फ की संपत्ति की रक्षा करने के लिए और वक्फ के प्रशासन करने के लिए रीजनेबल हो। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, जहाँ तक मुतवल्ली की शक्तियों एवं कर्तव्यों का संबंध है उसकी स्थिति एक ट्रस्टी के समान होती है। लेकिन दोस्तों, अंतर केवल इतना होता है कि जो ट्रस्ट है उसके मामले में संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वो ट्रस्टीज में निहित होता है, लेकिन वक्फ में संपत्ति का जो स्वामित्व है वो खुदा में निहित होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, मुतवल्ली जो होता है वो संपत्ति का केवल एक प्रबंधक होता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार वक्फ के प्रबंध की शक्ति नहीं रखता। मुतवल्ली को उसके संस्थापक द्वारा निर्धारित उद्देश्य और अनुदेशों के अनुसार वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करना होता है। यदि आवश्यकता हो तो वह एजेंट भी रख सकता है। चौथा पॉइंट है,
मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति का हस्तांतरण तभी कर सकता है जबकि उसे वक्फ नामा में प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए ऑथराइज्ड किया गया हो, या फिर उसने न्यायालय से सहमति ले ली हो, या फिर तत्कालिक आवश्यकता के कारण उसे ऐसा किया जाना आवश्यक हो। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है, न्यायालय की अनुमति से मुतवल्ली संपत्ति को बेच भी सकता है और उसका कहीं भी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर सकता है अगर वह न्यायालय से अनुमति ले लेता है। दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है, यदि संस्थापक व उसका उत्तराधिकारी दोनों मर गए हों और वक्फ में मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार के संबंध में कोई उपबंध ना हो, यानी कि जो वक्फ नामा है उसमें मुतवल्ली के उत्तराधिकार के संबंध में सक्सेसर के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है, अगर दोस्तों जो मुतवल्ली है उस टाइम पर वो मृत्यु की कगार पर है तो वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है, और अगर दोस्तों मुतवल्ली स्वस्थ है तो वह अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारा सेवंथ पॉइंट है, मुतवल्ली संस्थापक द्वारा निर्धारित परिश्रमिक अर्थात वेतन को पाने का अधिकारी होता है, यदि वह राशि बहुत कम है तो मुतवल्ली उसे बढ़ाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकता है। न्यायालय के द्वारा निर्धारित वेतन वक्फ की आय के 10वें भाग से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि दोस्तों अगर संस्थापक मुतवल्ली को नियुक्त करता है तो मुतवल्ली परिश्रमिक यानी कि सैलरी पाने का भी अधिकारी होता है, यदि वह राशि मतलब कम है तो वह मुतवल्ली जो है न्यायालय से आवेदन करके अपनी परिश्रमिक को यानी वेतन को अपनी सैलरी को बढ़वा सकता है और जो सैलरी होगी उसकी वो वक्फ के आय के 10वें भाग से अधिक नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे मुतवल्ली का हटाया जाना यानी कि रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, यानी कि मुतवल्ली को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पर कौन मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव कर सकता है। दोस्तों वक्फ की संपत्ति का कब्जा मुतवल्ली को प्रदान करने के बाद सामान्यतः वाकिफ यानी कि संस्थापक मुतवल्ली को उसके पद से नहीं हटा सकता है, लेकिन दोस्तों वक्फ की संपत्ति के कब्जे के परिदान के दौरान मुतवल्ली को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि संस्थापक ने वक्फ नामे में ऐसी शक्ति को स्पष्ट करके अपने पास सुरक्षित कर लिया हो, यानी कि जो संस्थापक है उसने वक्फ नामा में पहले ही ऐसे अधिकार को अपने लिए सुरक्षित कर लिया हो कि वह जब चाहे मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकता है, तो उस कंडीशन में संस्थापक मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकता है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा मुतवल्ली के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करके और उसे बचाव का युक्तियुक्त समय प्रदान करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों कुछ एक्ट्स हैं, अगर वो एक्ट्स मुतवल्ली कमिट करता है तो उस कंडीशन में मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। इसमें पहला एक्ट यह है कि अगर मुतवल्ली संपत्ति के वक्फ होने से इनकार करता है और अपने लिए ही स्वामित्व का अपने लिए ही ओनरशिप का एडवर्स क्लेम करता है, प्रतिकूल दावा करता है, तो इस स्थिति में मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है, और अगर वह अपने अधिकार में पर्याप्त धन होते हुए भी वक्फ की संपत्ति के परिसर की मरम्मत नहीं कराता है तो तब उसको मुतवल्ली के पद से रिमूव किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर वह जानबूझकर वक्फ की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो इस कंडीशन में भी मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, अगर वह वक्फ की संपत्ति का मिसमैनेजमेंट करता है, कुप्रबंध करता है, तो इस कंडीशन में भी मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर मुतवल्ली इंस्टॉलमेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में उसको उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। और दोस्तों जहां मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति की आय को वक्फ नामे में दिए गए जो डायरेक्शन से उसके विरुद्ध खर्च करता है तो इस कंडीशन में भी मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। और जहां मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति को अपने निजी कार्यों के लिए खर्च करता है यानी कि पर्सनल एक्ट्स के लिए अगर वो खर्च करता है, पर्सनल प्रॉफिट अगर वो करता है वक्फ की संपत्ति से, तो इस कंडीशन में भी मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। और दोस्तों एट पॉइंट है, जहां मुतवल्ली शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है यानी कि फिजिकली और मेंटली वो क्या हो गया है, इनकॉम्पिटेंट हो गया है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का हो गया है या फिर वो हैंडीकैप हो गया है, फिर कुछ भी ऐसा हो गया है उसके साथ जिसके कारण वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, अनसाउंड माइंड का हो गया है वो, तो उस कंडीशन में मुतवल्ली को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा मुतवल्ली का रिमूवल, एंड हमने क्या पढ़ा अभी, इससे पहले हमने पढ़ी थी मुतवल्ली की पावर्स एंड ड्यूटीज़, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि मुतवल्ली की नियुक्ति कौन कर सकता है यानी कि हु कैन अपॉइंट मुतवल्ली। तो दोस्तों आज ये वक्फ का जो चैप्टर है, वक्फ के जो नोट्स थे वो पूरे मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। अगर आपकी वक्फ से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ आज वक्फ का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।